हाय मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके कमेंटों को रिप्लाई देने वाला हूँ। जितने लोग कमेंट किए थे कि भैया मेरी इतनी रैंक है, मेरी स्टेट रैंक इतनी है, कैटेगरी रैंक इतनी है, क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा तो कि नहीं मिलेगा, तो आज मैं इसी टॉपिक पे आया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि कितनी कितनी रैंक पे आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा या कितना रैंक आपका होना चाहिए सरकारी कॉलेज के लिए। जैसे कि पहला कमेंट है बीके पटेल जी का, उन्होंने बोला कि मेरा जनरल रैंक जो है 11,000 है और ओबीसी रैंक 6,000 कुछ तक लमसम लिखे हैं, तो क्या वो पूछ रहे हैं कि क्या जौनपुर में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो भाई जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जौनपुर में जो अच्छा एडेड कॉलेज है वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मेरे कॉलेज में जितने भी लड़कियाँ हैं उनका जो है 10,000 के अंदर रैंक है, 6,000 और 8,000। एक लड़का है जनरल कैटेगरी का है, 8,000 रैंक है, उसने जो है जौनपुर में, जानते हैं कि 4 कॉलेजों में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए सीटें उपलब्ध हैं और 2 कॉलेजों, एक संस्कृत के लिए एक महिलाओं के लिए, तो वो दोनों कॉलेज आपको अलाट नहीं होंगे। तो जौनपुर का जो कॉलेज है वो 3800 रैंक पे और 6000 रैंक पे जो आपको सरकारी कॉलेज जो जौनपुर का था वहाँ वो नहीं मिला। जौनपुर यूनिवर्सिटी की ये खासियत है कि प्रत्येक एडेड कॉलेज में जो है हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है और हॉस्टल की फीस जो है 500 रुपये लगती है। तो आप ये कमेंट आप देख सकते हैं। तो बीके पटेल जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन का जो है आंसर आपको मिले। जो है पूनम जी का है, वो पूछ रही है कि स्कॉलरशिप से जुड़ा हुआ, वो पूछ रही है कि भैया मेरा 65% है ग्रेजुएशन में और वो जो है एससी कैटेगरी की है, तो वो पूछ रही है कि क्या भैया मेरा स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो पूनम जी, मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से समझाया हुआ था कि अगर आपकी ग्रेजुएशन में जो है 60% प्लस है तो आपका स्कॉलरशिप जरूर आएगा, और आपकी कैटेगरी एससी है तो आप बिल्कुल जो है चिंता मत करिए, चाहे जिसका सरकार रहेगी प्रत्येक वर्ष जो आपकी स्कॉलरशिप जो है SEMK जी का है, वो पूछ रहे हैं मुझसे कि मेरी स्टेट रैंक जो है 2500 है और कैटेगरी रैंक जो जिनकी कैटेगरी रैंक ओबीसी है और ओबीसी कैटेगरी में उन्होंने 1400 रैंक हासिल किया है, पूछ रहे हैं कि अंबेडकर नगर में क्या सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंबेडकर नगर में जो कॉलेज जुड़ा हुआ है वो अवध यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और उसकी भी डिमांड ज़्यादा है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो कॉलेज 2500 रैंक में जरूर से जरूर मिल जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, आपकी रैंक बहुत अच्छी है, 2500 रैंक एक अच्छी रैंक मानी जाती है। आपको वो सरकारी कॉलेज जो अंबेडकर नगर का आप चाह रहे हैं, जो अवध यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जिसमें जो वार्षिक प्रणाली आप चल रही है, तो आपको वो कॉलेज 100-100% मिल जाएगा। तो यस के जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन का जो है आंसर आपको मिल गया। कमेंट है कि भैया पूल काउंसलिंग में क्या स्कॉलरशिप आती है, तो बिल्कुल बिजनेस पाल जी, बिल्कुल पूल काउंसलिंग में आपका जो है स्कॉलरशिप आती है। आप बस आपका जो रिक्रूटमेंट है कि आपका फर्स्ट डिवीजन 60% प्लस होना चाहिए और आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट वो जो 1,00,000 के नीचे होना चाहिए, तो आपका 100-100% पूल काउंसलिंग में भी आपका स्कॉलरशिप आएगा। तो पाल जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने क्वेश्चन का आंसर समझ गए। कमेंट आपका क्वीन वर्मा जी का है और इनका कमेंट इतना आ रहा है भर भर के आ रहा है, कोई जवाब नहीं। मैंने इनके हर कमेंटों का जो है रिप्लाई भी दिया। ये पूछ रही है कि भैया कितने रैंक पे जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। तो वर्मा जी, आप ये जान लीजिए कि आपकी चाहे जितनी रैंक हो आपको प्राइवेट कॉलेज अवश्य टू अवश्य मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज के लिए आप मत सोचिएगा। प्राइवेट कॉलेज आपकी चाहे जितने, अगर आपकी रैंक जो है 4,00,000-5,00,000 है, तब भी आपको चाहे जितना रैंक है आपको मिल जाएगा प्राइवेट कॉलेज। आप कमेंट जो है अंगद सिंह का है, वो पूछ रहे हैं कि भैया काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, और आप लोगों की भी यही क्यूरियसिटी होगी कि भैया काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो अंगद सिंह जी, ये जान लीजिए कि काउंसलिंग आपको जो है अगस्त के लास्ट हफ्ते में जो ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ये टू एकदम श्योर है, क्योंकि आज जो है 8 अगस्त हो गया और अभी काउंसलिंग के लिए कोई अपडेट नहीं दिया है। रॉयल जो यूनिवर्सिटी पेपर करवाई है वो बोली कि 10 तारीख तक अगर यूनिवर्सिटियों का रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो इन यूनिवर्सिटियों को जो है जो अनदेखा करके जो आपके 2 से 3 दिन के बाद जो काउंसलिंग कराने शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 32 की 32 यूनिवर्सिटियाँ जो है आपके बेड एंट्रेंस एग्जाम में जो है पार्टिसिपेट करती हैं, और जब तक उनका वो नहीं हो जाता, जब तक सब यूनिवर्सिटियों का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आपका जो है काउंसलिंग होना मुश्किल है। तो अंगद जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने कमेंट का रिप्लाई आगे जान। खान जी का कमेंट है, खान जी पूछ रहे हैं कि 26,000 रैंक है, क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो खान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, बस आपको एक कॉलेज के ऊपर नहीं डिपेंड रहना है, आपको यूपी के अधिक से अधिक कॉलेजों को लॉक करना है, और अगर आप यूपी के अधिक से अधिक कॉलेजों को लॉक करते हैं तो आपको जरूर सरकारी कॉलेज मिलेगा। कमेंट है कि भैया गाजीपुर में कितना सरकारी कॉलेज है, तो मैंने अपने कई वीडियो में बताया था कि गाजीपुर में जो एक सरकारी कॉलेज है और जो जौनपुर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी जो गाजीपुर के निवासी होंगे तो
आप समझ गए होंगे कि सरकारी कॉलेज गाजीपुर में जो है केवल एक सरकारी कॉलेज है जो जौनपुर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ, जिसमें जो सेमेस्टर वाइज पढ़ा रहा है। पढ़ाई जगह कमेंट है कि भैया अगर हम 2 साल का बीएड कर रहे हैं और उसमें हम सबकी सरकारी नौकरी लग गई तो क्या हमें हमारा बीएड कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से भी आपके कमेंट लिया था और बताया था कि सरकारी कॉलेज मिलने का क्या हिसाब, मतलब सरकारी कॉलेज मिलने के दौरान अगर आपका जो है सरकारी नौकरी लग जाती है तो क्या हिसाब किताब, अगर आपका आपके कॉलेज चाहेंगे मतलब कॉलेज के मेम्बर चाहेंगे तो आपका जरूर बीएड कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पटीदार नहीं चाहेंगे तो आपका जो है सरकारी नौकरी लगते लगते जो है वो आप बर्खास्त कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो एक गैर प्रावधान है। आपका रेगुलर जो नहीं, आप प्राइवेट इग्नू जैसे संस्थाओं से जो है बीएड कर सकते हैं। आगे श्रिया जी का कमेंट है कि भैया मेरा जो है रैंक 5700 है, क्या मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ सरकारी कॉलेज मिल जाएगा? तो श्रिया जी उम्मीद है कि मिल जाएगा, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ा जितना लखनऊ में कॉलेज है वो बहुत डिमांडिंग कॉलेज रहता है और वहाँ मिलना थोड़ा चैलेंजिंग बात है, लेकिन अगर आप डालती हैं जो लखनऊ से यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ 6 से 7 कॉलेज है तो आपको ज़रूर से ज़रूर लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉलेज मिल जाएगा।